हाय गाइज, वेलकम बैक कनूब गेमिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों को। तो कैसे हो मेरे बहनों और कैसे हो मेरे भाइयों? तो भाई आज का वीडियो होने जा रहा है PUBG एंड BGMI के स्क्रीन मूविंग के बारे में, क्योंकि बहुत से भाइयों को मसला आता है कि भाई उसका स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। यानी कि मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आप यानी कि हाथ से इस तरफ करते हैं जैसे, तो आपका नहीं होता PUBG एंड BGMI में, सही है? ऐसे बिल्कुल। तो अगर आपका ये नहीं हो रहा और आप लोगों को ये मसला आ रहा है, तो आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है PUBG एंड BGMI में। ज़्यादातर बंदे जो जायरोस्कोप खेलते हैं उनके साथ तो मसला नहीं है, लेकिन जो जायरो के बग़ैर खेलते हैं यानी कि उनको ये मसला आता है स्क्रीन मूविंग का। अगर वो ऐसे करते हैं फायरिंग के टाइम, बिल्कुल भी यानी कि ऐसे नहीं होता जब आप फायरिंग करते हैं, तो ये क्या मसला है, इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये जो मसला है ना, ये ऐसे ये जायरोस्कोप के बगैर यानी कि जो जायरो के बगैर खेलते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मसला है, और जो जायरो खेलते हैं उनको थोड़ा ही मसला होगा। तो चलिए इस वीडियो का यानी कि इसका मैं आप लोगों को फिक्स बता देता हूँ, आप लोगों ने इस मसले को कैसे फिक्स करना है। तो भाई इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आप लोगों को जो सेटिंग बताऊंगा, बिल्कुल आप लोगों ने वैसे ही सेटिंग करना है। यानी कि ये ज़्यादातर मसला होता है टेक्नोपोवा के मोबाइलों में, जो इन्फिनिक्स के मोबाइल है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो यानी कि ज़्यादातर ग्राफिक वगैरह सपोर्ट नहीं करते, तो उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता रहता है। तो आप लोगों ने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला जो सेटिंग है, आप लोगों ने जाना है ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में आने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल फुल पे कर देना है, सही है? इसको फुल पे कर देना है आप लोगों को। फुल करने के बाद दूसरा सेटिंग आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा जो सेटिंग है, आप लोगों ने यहाँ से जाना है कंट्रोल में, एडवांस कंट्रोल में जाना है। एडवांस कंट्रोल में जाने के बाद जो आपका स्प्रिंट सेंसिटिविटी है ना, इसको आप लोगों ने 70 में रखना है, 70, सही है? 70 से ऊपर नहीं रखें, वरना आप लोगों को इसका मसला आ सकता है, सही है? तो ये दो सेटिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब कुछ और भी सेटिंग है, वो भी बताऊँगा, वो भी आप लोगों ने करने हैं, तभी आप लोगों का ये मसला हल हो पाएगा, क्योंकि ये मसला बहुत से भाइयों को आ रहा है। अभी 2.0 अपडेट में भी आ रहा है, पहले 1.9 अपडेट में भी यही मसला था। तो आप लोगों ने सेटिंग में जाना है, इसके बाद सेंसिटिविटी में जाना है। सेंसिटिविटी में जाने के बाद जो जायरोस्कोप खेलते हैं ना भाई, वो अपने जायरो को कोई भी यानी कि छेड़छाड़ नहीं करना है आप लोगों ने। आपका जो कैमरा सेंसिटिविटी है ना, इसको आप लोगों ने 270 पे रख देना है, सही है? 270 पे आप लोगों ने कर देना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका जो S% नो स्कोप है, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका है 3rd% नो स्कोप, इसको भी आप लोगों ने 270 पे कर देना है। इस तरह यानी कि 270 पे आप लोगों ने इसको कर देना है, 270 में आप कर लें, या फिर 250 आप कर लें, तो आपका ये सही से काम करेगा, सही है? मेरा तो भाई 200 पे है, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई 200 पे, सही है? तो यहाँ पे मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा ये M इसके हिसाब से चलता है, तो मैंने 200 कर दिया। इसके बाद जो इसका दूसरा है S% नो स्कोप, इसको भी आप लोगों ने कर देना है, यानी कि 210 पे कर देना है। इसको आप लोगों ने 210 पे करना है, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं छेड़ना है इसको, 210 इसका सही है। या फिर अगर आपका मसला आ रहा है और भी, तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना, सही है? नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ और सेटिंग है। ये तो मैंने ADS इसलिए मैंने इसको बंद किया है, क्योंकि मैं भाई ये हाथ से बिल्कुल भी यानी कि साइड नहीं करता, ये मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। सिर्फ मैं ये करता हूँ कि जो स्कोप है ना, इसको मैं बिल्कुल भी हाथ से नहीं करता, बाकी मूविंग तो करता रहता हूँ। तो मैं तो ज़्यादा जायरो ही खेलता हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो चलिए अपने तीसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को तीसरा ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपका ये स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम यानी कि सॉल्व हो जाए। आप लोगों ने जाना है यानी कि कंट्रोल में। कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज बटन पे ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपके कंट्रोल है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपने 3rd% पे रखने हैं। यानी कि ये जो 3rd% है ना, लेफ्ट मूवमेंट फिक्स बटन, सही है? इसको आप लोगों ने 3rd% पे बिल्कुल भी फर्स्ट पे नहीं करें, आपका बहुत मसला होगा, आप लोगों ने 3rd पे करना है। इसके बाद एक और भी सेटिंग है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है ना, डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ये आप लोगों ने ऑफ कर देना है भाई, मेहरबानी कर दें अगर ये ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का होता है और आप ऊपर लगा देते हैं तो स्क्रीन मूविंग का मसला आ जाता है। तो आप लोगों ने फायर बटन एक ही यूज़ करना है, और आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड फायर बटन है ना, इसको भी आप लोगों ने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका यहाँ यानी कि ये शो नहीं हो रहा,
मैं आप लोगों को जैसे दिखाता हूँ, मेरा देखो एक ही फायर बटन है और कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं एक ही यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये एक ही यूज़ करें, दो फायर बटन आप लोगों ने नहीं यूज़ करने, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। बस आप लोगों ने यही सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो आज के मैंने कुछ आप लोगों को ट्रिक बताए हैं, इसके जरिए आप आसानी से अपना जो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम है वो यानी कि फिक्स कर सकते हैं पबजी एंड BGMI में। तो आज का यही वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी करें, क्योंकि आपका भाई लाता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता है पबजी एंड BGMI के हवाले से। तो मिलते हैं एक और नई ब्रांड वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।